Okay everyone, so very good morning, welcome back to my channel. This is me, Mustafa Hizur, and you're watching Crazy Biker M. So right now it's 6:58 in the morning, approximately 7 baj chuka hai. Aaj main hu Havelock mein. So aaj hum jayenge Radhanagar Beach 2. Because kal hum gaye the Radhanagar Beach 1 for swimming. And aaj hum jayenge Radhanagar Beach 2 for scuba diving. Yaar, zindagi badalne wali hai. Actually, meri phat rahi hai. I am very nervous and at the same time excited bhi hu. No worries, I can do it. With myself, so let's see. Actually, ये package के अंदर include नहीं था, हम लोगों ने अलग से इसके लिए pay किया है. Per person it will cost 3,500 rupees. तो आप कहीं से भी book करा सकते हो. It's your choice. आप यहाँ पे आके भी book करा सकते हो and आप पहले से ही book करा सकते हो. And one more thing, after the scuba diving, हम जाएंगे elephant beach. तो अभी हो गया है 7. अभी मुझे fresh होना है and fresh होने के बाद 7:30 बजे से जो complimentary breakfast है वो चालू हो जाएगा and 7:45 को हमारा pickup time है for scuba diving. तो 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को निकलना है. तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. अभी मैं फ्रेश होता हूँ, रेडी होता हूँ, जो सामान मुझे लेना है वो पैक करता हूँ, देन ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड देन लिव. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल कैच यू ऑन द रोड. सो चलो मिलते हैं. ओके एवरीवन, सो द ब्रेकफास्ट इज डन एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हम करेंगे स्कूबा डाइविंग. सो लेट्स गो, लेट्स एक्सपीरियंस द थ्रिल. सो चलो यार, जी लेते हैं जिंदगी आज. चलो everyone, so just complete the scuba diving and I have to say it was magical. It was my dream and complete ho gaya aaj, so feel blessed. Bahut maza aaya yaar, definitely ek baar try karo. And abhi hum ja rahe hain elephant beach, jo ki yahan se kitna kilometer hai, jo ki 10 to 15 minutes lenge. So yes, baki baatein wahan pe karte hain. Let's go and let's explore. Chalo. Reached at Elephant Beach and जो first impression है इस जगह का, oh my god, this place is so damn awesome.
यहाँ पे यार बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ है, आप वो सब कर सकते हो. स्पीड बोर्ड है और स्नोकलिंग है और पैराग्लाइडिंग है. तो यार चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी क्या होता है. लेकिन यार बहुत ज़्यादा क्राउड है. हेवलॉक से ये बीच आने में स्पीड बोट में 15 से 20 मिनट लगता है. तो यस दैट्स इट. और वो फेरी घाट से आपको स्पीड बोट मिल जाएगा. तो यस यही है, चलो अभी जाते हैं बीच में एंड लेट्स टेक सम ऑसम शॉट्स एंड लेट्स एंजॉय गाइस. ओके एवरीवन, सो एक और रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे जगह पे आ रहे हो तो यार ये ध्यान में रखो कि यार जो प्लास्टिक से एक्चुअली जो हम फास्ट फूड कैरी करते हैं और बोतल, प्लास्टिक का बोतल, तो वो सब यार यहाँ पे मत गिराओ यार. इस जगह की खूबसूरती ख़राब होती है. दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल. इवन जितने भी ब्यूटीफुल प्लेसेस है यार, गंदा मत करो. इट्स माई रिक्वेस्ट एंड यस यही बोलना था यार. प्लीज़ अगर हो सके तो यार, यही बात है यार, क्लीन रखो. एक्चुअली क्लीन रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वी लव ब्यूटिफुल थिंग्स एंड नेचर को क्लीन रखना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यार क्लीन रखो, यही रिक्वेस्ट है प्लीज़. Okay everyone, so just completed another busy day and it was the most adventurous day of my life. बहुत दिनों से सपना था कि scuba diving करूँगा. Finally वो हुआ and I am so happy. Actually elephant beach से जब हम आ रहे थे तो weather suddenly ख़राब हो गया and इतनी हवा और बारिश, और हम सब फेरी में थे. हम लोगों को ऐसा लगा कि यार आज तो पक्का ही है, फाइनल आज तो गए हैं हम काम से. वी ऑल आर वेरी स्केयर्ड बिकॉज हमारे फेरी में टोटल 10 सीट थे, तो 10 जन हम लोग गए थे. हम चार और 6 लोग गए थे अननोन. बीच रास्ते में आते आते बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी एंड उसी वक्त एक पोपट हुआ. मेरा जो VR46 वाला कैप था वो मैंने सर पे पहना हुआ था, अचानक से वो फेरी टर्न लिया और वो कैप उड़ के समुंदर में. थोड़ा बुरा लग रहा है यार, आई जस्ट लव दिस कैप, बट क्या करूँ अभी. थोड़ा बुरा लग रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकते. तो यार ठीक है, बाद में नया वाला ले लूँगा, लेकिन इस ट्रिप के लिए यहाँ तक ही फोटो भी था. तो यस, एक्चुअली जो वाटरप्रूफ बैग है वो हम लोगों ने कैरी नहीं किया था. तो यार ये भी ध्यान में रखो, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है. तो एक वाटरप्रूफ बैग, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये कैरी करो, अच्छा होगा. एंड यहाँ पे आके मैं व्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो फ्रेम है ये बहुत अच्छा लगता है. जितने दिन जा रहा है मैं जगह के बारे में जान रहा हूँ तो कुछ कुछ बातें मैं शेयर कर रहा हूँ. तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस. एंड आज के वीडियो में मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अंडमान आ रहे हो और लोकल में घूमना चाहते हो तो यू कैन रेंट स्कूटी एंड बाइक, या फिर रेंट पे मिलता है 24 घंटे के लिए. 500 रुपये बोला हम लोगों ने पूछा था, लेकिन कल ही हम निकल रहे हैं किसी और जगह के लिए, वो आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में पता चलेगा. तो इसीलिए हम लोगों ने रेंट नहीं किया स्कूटी. बट अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, होटल के आजू बाजू में हैवलॉक में आपको स्कूटी रेंट पे मिल जाएगा, या फिर बाइक या फिर बाइसाइकिल, कुछ भी मिल जाएगा. अभी बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10:00 इन द इवनिंग एंड हम लोग जस्ट अभी डिनर करके आ चुके हैं. एंड इस होटल के बारे में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, होटल जितना अच्छा है फूड भी उतना ही अच्छा है. एक्चुअली हम लोगों को बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है, होटल बहुत ही अच्छा है एंड फूड इज़ एक्सीलेंट गाइस. प्राइस भी ठीक ठाक ही है, थोड़ा हाई है बट इट वाज मैनेजेबल. तो यही है यार सब, आई होप मैंने सब कुछ बोल दिया है. और अगर कुछ भूल गया हो तो यार नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली बता दूंगा. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग एंड
अभी टाइम हो चुका है शायद व्लॉग को एंड करने का. और एक और चीज़ यार मैं बोलना चाहूँगा यार, प्लीज़ अगर आ रहे हो तो स्कूबा डाइविंग जिंदगी में एक बार ज़रूर ज़रूर करो यार, लाइफ चेंज हो जाएगी. तो यार मेरा जो एक चेकलिस्ट था वो पूरा हो गया एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. मुझे नहीं लगा था मैं कर पाऊँगा बट हाँ मैंने कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी गाइज. यस यही है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड इफ़ यू हैव टू सजेस्ट मी एनी थिंग डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है एंड इफ यू लाइक माई वर्क देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. That's it guys. I'll catch you very soon on my next vlog. Till then, ride hard, drive safe. God bless, take care. Bye-bye. Bye-bye. Dab, bro.